गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, दिस इज़ वीरभद्र अगेन। तो उसी सीरीज़ को हम लोग आगे बढ़ाते हुए ये पार्ट टू है। इसमें हम हमारे पास सैंपल में है जी स्मिथ की 10.6 हाइपर इम्पैक्ट करके आता है। हाइपर इम्पैक्ट है ये, और एक जी स्मिथ की आती है 13 ग्रेन का जंबो के नाम से, वो है। तो ये दोनों पैलेट्स भी हमारे पास पड़े हुए थे, सैंपल्स में आए थे टेस्टिंग के लिए। तो अभी हम GM10XS में वो भी दोनों पैलेट्स 50 यार्ड्स पे ट्राई करेंगे, और इससे पहले की जो भी ग्रुपिंग्स थी वो मैंने क्रॉस कर दी है ताकि कोई कंफ्यूजन ना हो। 50 यार्ड से मैं देखूंगा। सबसे पहले मैं 10.6 जो बाराकुड़ा के जैसे मिलते जुलते हैं, HNN के बाराकुड़ा जैसे जो मिलते हैं हाइपर इम्पैक्ट, तीन शॉट्स का मैं उस पर 50 यार्ड्स पर ट्राई करूंगा और जी स्मिथ पर ट्राई करूंगा। एक पैलेट हमने ट्राई कर लिया कि जो JSB 10.34 है, इट इज़ बेस्ट सुटेड फॉर दिस गन। देखते हैं कि कुछ इंडियन ऑप्शंस भी आ रहे हैं उसके क्लोज क्या। तो जी जी इसको ले जाइए घुमा के 50 यार्ड्स पर। एक बार वहाँ तो क्लोजअप में दिखा दीजिएगा ये, और थोड़ा सा और आगे जाइए, ग्रुप है, हाँ जाइए। सबसे पहले जी स्मिथ के जो हैं 10.65 ग्रेन हाइपर इम्पैक्ट, उसके तीन शॉट्स के ग्रुप टेस्ट करेंगे 50 यार्ड्स पे। कोशिश ये है कि इंडियन मेड गन है, कोई इंडियन मेड पैलेट जो है वो आ जाए। JSB के 10.34 के पैलेट वर्क तो बहुत अच्छा कर रहे हैं, बट द करंट प्रॉब्लम विद JSB इज़ दैट इट इज़ वेरी हार्ड टू फाइंड JSB इन मार्केट। मार्केट से आउट ऑफ स्टॉक चल रहे हैं, तो शायद कोई एक इंडियन पैलेट निकल के आ जाए। चलिए फर्स्ट थ्री शॉट्स 50 यार्ड्स GM10XS जी स्मिथ हाइपर इंपैक्ट 10.6 ग्रेन। सेकेंड शॉट सैम इधर आओ बेटा, प्लीज बेटा, कम इधर आओ। ठीक है, इधर आ जरा, रेंज सेट हो। अरे पोपट मत कर बेटा, इधर आ। ओए सैम, वेरी गुड, गुड बॉय, सैम इज अ गुड बॉय, डोंट कम हियर।
ये तीन शॉट, ये तीसरा शॉट है हाइपर इंपैक्ट 50 यार्ड्स। सैम क्या कर रहा है तुम, हटो। I'm seeing some promising result with this pellet. We'll see when the target comes to us. तो ये थे ये हाइपर इम्पैक्ट। अब ट्राई करेंगे हम लोग जी स्मिथ के 13 पॉइंट जो समथिंग ग्रेन के आते हैं जम्बो। मैंने बहुत तारीफ सुनी है इसके बारे में भी, ये जो नए लॉट्स हैं दे आर वर्किंग वेरी गुड। सो लेट्स सी इफ द जी स्मिथ हाउ दे वर्क इन दिस एयर राइफल। चलिए ये जो है तीन शॉट 13 पॉइंट समथिंग ग्रेन जी स्मिथ जम्बो पैलेट 50 यार्ड्स। ये जो दूसरा वाला शॉट था ये मेरे हाथ से निकल गया। सैम बेटा ये तुम्हारा बहुत बहुत ही तुम बदमाशी कर रहे हो, लग जाएगा तो पंचर हो जाओ। इधर आओ सैम, समझ में नहीं आ रहा तुमको। सैम हटो इधर आओ, कम 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 कम। ये तो गजब लगाए हुए है आज दूल्हा। सैम हटो, सैम अरे बेटा हट ना वहां से, हटो, हट जा बेटा, हट जा हट जा। हटो हटो जाओ, उधर ड्यूटी करो अपना, चलो जा भागो। अरे हट ना, तुमको मारेंगे हम, भागो नहीं तो। सो दिस इज द लास्ट फाइनल शॉट, सैम हटो। लेते हैं हवा। ये दो पैलेट्स थे, ये दोनों पैलेट जी स्मिथ के थे। फर्स्ट इज हाइपर इंपैक्ट विच इज 10.6 ग्रेन जो बिल्कुल दिखते हैं बाराकूडा जैसे, और द सेकेंड वन वॉज द जी स्मिथ जम्बो ट्राइड इन माई गन जी गेयर के इस गन में मैंने ट्राई किया 50 यार्ड्स पे। देखता हूँ कि क्या इंडियन पैलेट्स भी इस गन में अगर अच्छा परफॉर्म कर रहे हैं तो ये बहुत ही वेलकमिंग साइन हो सकता है। सो लेट्स सी। ओके।
के दिखाना वही पल वही पर दिखाना ठीक है। कैमरा घुमाओ इधर, कैमरा घुमाओ, कैमरा घुमाओ। जैसे कि आप देख सकते हैं जी स्मिथ के ये जो मेरा शॉट है ये प्रीवियस ग्रुप का है, ये यहाँ पे काटा हुआ है ठीक है। जी स्मिथ के जो हैं ये 10.6 इनका एक पैटर्न है, चूँकि हवा भी बहना चालू हो गई थी बट ये जो पैटर्न है ये थोड़ा सा देख रहे हैं क्योंकि हवा पूरब से पश्चिम की तरफ बह रही है, सो द पैलेट वॉज बींग पुश्ड यू नो फ्रॉम राइट टू लेफ्ट, बट ये उतने दूर से उतने स्कैटर्ड नहीं है, ये पैटर्न है। बट वॉट इज मोस्ट यू नो इंटरेस्टिंग थिंग इज जो 13 ग्रेन के जम्बोज हैं तो वो देखिए वो तीनों पैलेट इसी आसपास में है, मतलब आप देख लीजिए यहाँ पे 50 यार्ड्स पे जी स्मिथ के जम्बो। सो द सेकेंड बेस्ट पैलेट विच इज़ सुटेबल फॉर दिस एयर राइफल फॉर लॉन्ग रेंज शूटिंग और प्लिंकिंग जी स्मिथ के 13 ग्रेन के जो जम्बोज हैं दे आर वर्किंग वेरी ग्रेट। द जे एस बी 10.34 दे आर ऑल्सो वेरी वर्किंग वेरी ग्रेट सी फॉर द साइज कंपेरिजन। एंड जो जी स्मिथ के हाइपर इम्पैक्ट हैं यू नो ये अभी ग्रुप वही बनना चालू हुआ था बट सडनली यू नो हवा जो है पिकअप हो गया और जो पैलेट्स थे वो ये पैलेट भी करेगा कमाल 10.65, लेकिन चूंकि हल्की पैलेट्स है ना तो हल्की भी हवा में ये 50 यार्ड्स पे 10-20-25 यार्ड पे तो ये होल टू होल चलेंगे मुझे पता है, बट 50 यार्ड्स पे ये थोड़ा बहुत असर आ ही जाता है। हल्का फुल्का भी अगर ब्रीज हो तो इट अफेक्ट्स एट अ वेरी लार्ज स्केल एट 50 यार्ड 60 यार्ड। तो 50 यार्ड्स पे अभी दोनों पार्ट्स से मैंने देखा दो पैलेट्स निकल के आया है इस गन के लिए विच इज़ वर्किंग ग्रेट। फर्स्ट इज जे एस बी 10.34 ग्रेन एंड द सेकेंड पैलेट इज जी स्मिथ जम्बो 13.4 ये 3 ग्रेन ऐसे करके है जम्बो, लंबे पैलेट्स आते हैं जी स्मिथ के। सो डेफिनेटली आई एम गोइंग टू स्टिक विद दिस पैलेट्स ओनली और इन दोनों पैलेट से ही हम अब 70-80 यार्ड्स पे जाएंगे इस गन को देखेंगे कि 70-80 यार्ड्स पे ये दोनों पैलेट को लेके जाके देखेंगे कि इन दोनों पैलेट्स में अच्छा कौन कर रहा है, जे एस बी के 10.34 एक्सेल कर रहा है या हमारा जो इंडियन अल्टरनेट है जी स्मिथ का जंबो वो काम कर रहा है। अगर 70 यार्ड्स पे या 100 यार्ड्स पे अगर इतना बड़ा ग्रुप भी अगर मुझे मिल जाए इस डब्बे इतना भी बड़ा भी तो आई विल बी मोर देन हैप्पी। सो दिस इज़ इट फॉर टुडे गाइस, आई होप यू लाइक दिस वीडियो। अगर आपको पसंद है जो मैं करता हूँ तो लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, अपने दोस्तों में शेयर कीजिए। दिस इज़ कुंवर वीरभद्र सिंह साइनिंग आउट, टेक केयर, अपना ध्यान रखिए।